नमस्कार, स्वागत है आपका प्रॉपर्टी प्लस में। मैं हूं दीपक यादव। कल यानी 23 जुलाई को वित्त मंत्री मोदी सरकार 3.0 का पहला पूर्ण बजट पेश करने वाली है। ऐसे में देश का हर सेक्टर इस बजट से उम्मीद बांधे बैठा है। रियल एस्टेट सेक्टर जो जीडीपी में 7.5% का योगदान देता है, उसका स्वरूप बीते वर्षों में काफी कुछ बदल चुका है। अब सिर्फ घर, दुकान और ऑफिस नहीं रह गए हैं, अब रियल्टी सेक्टर में कई वर्टिकल हैं जो घर खरीदारों समेत निवेशकों के लिए तमाम तरह के विकल्प उपलब्ध कराते हैं। बात चाहे ऑनलाइन बिजनेस की हो, रीट्स की हो, फ्रैक्शनल ओनरशिप, ऑफिस स्पेस समेत हर वर्टिकल अपने लिए कुछ खास की उम्मीद कर रहा है। तो जैसा कि बजट एक्सपेक्टेशन की इस सीरीज में हम इंडस्ट्री से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी वित्त मंत्री से क्या मांगे हैं, इसी क्रम में रियल एस्टेट के कुछ और दिग्गज हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बात करेंगे। लेकिन पहले उनका परिचय कराते हैं। हमारे साथ है अमित गोयनका, एमजे निसस फाइनेंस। सौरभ गर्ग है हमारे साथ, को फाउंडर NoBroker.com। सौरभ बोहरा है हमारे साथ, फाउंडर अलाइफ। तो सौरभ बोहरा जी, सौरभ गर्ग जी और अमित सर, आपका बहुत स्वागत है जी बिजनेस पर। अमित सर, सबसे पहले आपके पास आएंगे। आपका जो सेगमेंट है वो सबसे खास है, क्योंकि आज भी देश में हजारों प्रोजेक्ट फंड की वजह से पूरे नहीं हो पा रहे हैं। बिल्डरों की शिकायत रहती है कि उनको आसानी से फंड नहीं मिलता है, भले ही लास्ट माइल फंडिंग मौजूद है लेकिन रफ्तार बहुत स्लो है। तो बुनियादी जरूरत रियल एस्टेट सेक्टर को आसान सस्ता फंड कैसे मिले, जिससे प्रोजेक्ट वाइबल हो, घर खरीदारों को मुनासिब कीमतें चुकानी पड़े, बजट में इसके लिए क्या प्रावधान होने चाहिए आपके लिहाज से? बहुत ही अहम मुद्दा उठाया है आपने दीपक जी, कि जहां अभी भी लाखों घर बन रहे हैं वहीं पर लाखों घर रुके भी हैं जो बन नहीं पा रहे कई सारी मुसीबतों के कारण, जिसमें राशि और धनराशि और इन्वेस्टमेंट का बहुत अहम मुद्दा बनता है। स्वामी फंड का जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 2020-21 में, वो इसी को चलते हुए हुआ था कि कई सारी ये प्रोजेक्ट्स को जो ऑप्टिमल कैपिटल ऑप्टिमल कॉस्ट पे मिले ताकि ये तुरंत खत्म हो पाए। उसमें कई सारी दिक्कतें आई हैं फंड मैनेजर्स को। सबसे पहला जो सबसे और अहम मुद्दा अब खड़ा हो गया है, जो RBI का सर्कुलर कहता है कि अगर बैंक निवेश करते हैं इस फंड में तो वो रुपया जो है ऐसे प्रोजेक्ट्स में नहीं निवेश किया जा सकता है जहां पे बैंक्स का एग्जिस्टिंग एक्सपोजर हो। अब ये बहुत बड़ा मसला है, उसके वजह से फर्दर इन्वेस्टमेंट मुमकिन नहीं हो पा रहा। तो सबसे जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल अगर आप देखें तो बैंक के पास सबसे सस्ता पैसा है, क्योंकि उनका डिपॉजिट रेट 6% 7% पे है। अब वो रुपया अगर मुहैया होता है फंड्स के थ्रू, हमारे फंड के थ्रू, तो हम ठीक पैसा दे पाएंगे ऐसे प्रोजेक्ट्स को ताकि वो समय पे खत्म हो पाए। मगर RBI के सर्कुलर के चलते अब बैंक्स का AIF फंड में निवेश करना नामुमकिन हो गया है। तो ये बहुत बड़ा कंस्ट्रेंट आया है कि जहां पे ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो सकते थे मगर बैंकिंग सेक्टर और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे। तो इसको एक तो ठीक करना बहुत जरूरी है। दूसरा एक और मसला खड़ा हुआ है कि जहां पे विदेशी मुद्रा आती है ये प्रोजेक्ट्स के लिए, वहां पे डबल टैक्स अवॉइडेंस ट्रीटी के तहत, चाहे मॉरिश आप क्यों एक पर्टिकुलर कंट्री से आ रहे हैं उसका आप जस्टिफिकेशन दें। अब ये बहुत मुश्किल हो जाता है कि अगर कई अन्य देशों के निवेशक एक पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट करते हैं एक पर्टिकुलर कंट्री के थ्रू करते हैं, तो उनके लिए अब टैक्स बेनिफिट का मुहैया होना या ना होना एक प्रश्न चिन्ह बन गया है कि क्या उस पर टैक्स उनको पूरा भरना पड़ेगा या डबल टैक्स ट्रीटी के अंडर जितना टैक्स है उतना ही लगेगा। तो ये एक नया विवाद का एक विषय बन जाता है, जिसकी वजह से नई मुद्रा आने में थोड़ा सा झिझक महसूस कर रही है। तो ये दो बड़े मुद्दे हैं जहां पे निवेशक जो है, चाहे वो ऑफशोर या फॉरेन इन्वेस्टर्स हो, चाहे बैंक्स हो, अब वो थोड़ा झिझक रहे हैं AIF या प्राइवेट क्रेडिट में आने के लिए। सौरभ गर्ग जी, आपसे मेरा सवाल ये होगा कि आपका बिजनेस पूरी तरह से ऑनलाइन है। जाहिर तौर पर आपने किराए पर घर लेने वालों के लिए जिंदगी काफी आसान कर दी है। सेल और रेंट के ट्रांजैक्शन का भारी भरकम डेटा है आपके पास। आपकी नजर से वित्त मंत्री को रियल एस्टेट में ऐसे कौन से ऐलान है जो जरूर कर देने चाहिए? एक तो अफोर्डेबल की लिमिट ही हमने डिफाइन करी हुई है 45 लाख। अभी 45 लाख में किसी भी मेट्रो सिटी में घर मिलना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। तो एक ये लिमिट चेंज होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि 45 लाख को आप 75 लाख या 80 लाख पे लेकर आए, जिसकी अफोर्डेबल का थोड़ा सा उसको बूस्ट मिल सके। दूसरा बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि जो अफोर्डेबल बिल्डर्स है, क्योंकि उन्हें लगता है कि हम 1 करोड़ के ऊपर या 1.5 करोड़ के ऊपर घर बनाते हैं तो हमारे मार्जिन ज्यादा होते हैं,
अफोर्डेबल सेगमेंट के लिए बिल्डर्स के लिए टैक्स हॉलीडे होना जरूरी है, जो आई थिंक कुछ टाइम पहले तक था, अब वो खत्म हो गया है। तो वो टैक्स हॉलीडे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो हमारा पूरे का पूरा सेगमेंट है जो कि अफोर्डेबल घर खरीदना चाहता है, वो अभी अफोर्ड ही नहीं कर पाता है, क्योंकि ना तो सप्लाई है और अफोर्डेबिलिटी लिमिट के हिसाब से भी उनको एडवांटेज नहीं मिलता, क्योंकि 45 लाख का घर ही नहीं मिलता है, तो उनको कोई भी एडवांटेजेस नहीं मिलते हैं। हायर GST पे करना पड़ता है उनको, 5% GST पे करना पड़ता है, जो कि अफोर्डेबल में 1% है। तो आई थिंक ये पूरे का पूरे अफोर्डेबल सेगमेंट पे वित्त मंत्री को जी को ध्यान देना चाहिए, उस पर उन्हें फोकस करना चाहिए। और दूसरा मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है रेंटल के हिसाब से, क्योंकि पिछले 2-3 साल में हमने देखा कि रेंटल इन्फ्लेशन काफी ज्यादा हुआ है, एंड इसको कैसे सॉल्व करना है अपने को। तो अगर आप देखेंगे तो मोर देन 1 करोड़ से ज्यादा घर हैं जो कि बंद पड़े हुए हैं और कोई भी उनको रेंट पे नहीं देता है, वो खाली पड़े हुए हैं। एंड उसका अलग अलग किसी का है कि क्या हम उसे रेंट पे दें तो घर खराब होगा। आई थिंक हमें ना रेंटल, तो रेंटल ओनर को एक बूस्ट देने का जरूरत है, चाहे वो टैक्स हॉलीडे के थ्रू हो या कोई दूसरे मैकेनिज्म के थ्रू, बट जो ओनर अपनी प्रॉपर्टी रेंट पे दे रहा है उसको इंसेंटिव होना चाहिए कि वो प्रॉपर्टी रेंट पे दे, बंद करके नहीं रखे। अदरवाइज हम देख रहे हैं कि पिछले, अगर आप मेट्रो सिटी जैसे बैंगलोर देखेंगे तो वहां पे तो 1-1 साल में 30% 40% रेंट भी इंक्रीज हुआ है, तो लोगों को प्रॉपर्टी मिली नहीं रही है या फिर रेंटल इन्फ्लेशन इतना ज्यादा हो गया है। तो मुझे लगता है कि ये दो चीजें काफी इंपॉर्टेंट है और इस पे वित्त मंत्री जी को पक्का कुछ ध्यान देना चाहिए। सौरभ बोरा जी, आप फ्रैक्शनल ओनरशिप में हैं, बहुत ही नया वर्टिकल है, लोग अभी भी इसे समझ ही रहे हैं, लेकिन ये अच्छा रहा कि सेबी ने एफओपीज के लिए रेगुलेशन तय कर दी है। जाहिर तौर पर इससे एक कॉन्फिडेंस बढ़ा है। वित्त मंत्री से आप पॉलिसी लेवल पर क्या उम्मीद कर रहे हैं, जिससे फ्रैक्शनल ओनरशिप समेत रियल एस्टेट में अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट का जो मार्केट है वो अपनी तय रफ्तार से दौड़ सके? हाँ दीपक जी, जैसा अपन लोगों को पता है कि कुछ टाइम पहले जो एसएम रीट वित्त मंत्री और सेबी की तरफ से निकाला गया था, एक तो वो बहुत बड़ा वेलकम मूव है अपने आप पे, क्योंकि वो पूरे इंडस्ट्री को एक उस तरीके से रेगुलेट कर देगा जहां पर एक छोटा निवेश करने वाला भी, 10 लाख रुपए प्लस निवेश करने वाला भी अब आगे आके निवेश कर सकता है। बट मुझे अभी भी लगता है कि जो एसपीवी के माध्यम से, जो एलएलपी ने तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के माध्यम से लोग इन्वेस्ट करते हैं, 8 जने मिलकर कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, नहीं तो 10 जने मिलकर प्रॉपर्टी खरीदते हैं, उसमें आज भी कैपिटल गेन टैक्स का बेनिफिट नहीं मिल पाता है, चाहे वो सेक्शन 54 हो या सेक्शन 54F के तहत हो। तो मुझे एक लगता है कि अगर इस पे वित्त मंत्री विचार करे कि अगर सेक्शन 54 और 54F का बेनिफिट भी इस एसपीवी के माध्यम से लोगों को मिल सके, तो अपने आप इस इंडस्ट्री पे काफी बढ़ावा मिल सकता है, काफी मेरे को लगता है काफी बड़ा बूस्ट मिल सकता है। सेकेंड, मुझे लगता है कि होम लोन आज तक डायरेक्ट प्रॉपर्टी निवेश करने वालों को ही मिलता है, जो प्रॉपर्टी डायरेक्टली अपने नाम पे खरीदते हैं। अगर किसी माध्यम से, जो एसटीवी के माध्यम से, जो बाहर के काफी देशों पे अलाउड है, अगर इस तरीके से कुछ विचार कर सकते हैं कि अगर कोई एसटीवी के माध्यम से भी लोन लेना चाहता है फ्रैक्शन पे इन्वेस्ट करके, अगर उस तरीके से कुछ उसका लोन मिल सकता है होम लोन के तहत, नहीं तो कोई और स्ट्रक्चर लोन के तहत, वो भी इस पूरे फ्रैक्शनल बिजनेस को काफी बढ़ावा दे सकते हैं। तो मुझे लगता है ये दो चीजों पे अगर वित्त मंत्री ध्यान दे बजट पे, तो ये काफी बड़ा एक बूस्ट मिल सकता है ये पूरी फ्रैक्शनल ओनरशिप बिजनेस को, जो कि आज की तारीख में काफी बड़ी तरीके से बढ़ रहा है, चाहे वो कमर्शियल पे हो, रेसिडेंशियल पे हो या कोई भी इंडस्ट्रियल सेक्टर पे हो। तो मुझे लगता है कि एक वो बहुत बढ़ावा मिल सकता है। बट एसएम रीट अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट मूव है, उसको किस तरीके से और बेटर करा जा सकता है, क्या क्या चीजें उस पर रेगुलेटरी मूव पे बेटर कर सकते हैं, जिससे एसएम रीट भी 1 लाख वाला भी निवेश कर सके, सिर्फ 10 लाख वाले नहीं निवेश करें। मेरे को लगता है उसका थोड़ा लिमिट पे ध्यान देना जरूरी है। बिल्कुल अमित सर, FII, FDI और लिक्रेटिव बनाने के लिए पॉलिसी लेवल पर क्या उम्मीद करनी चाहिए, उस पर तो आपने बात की, लेकिन जितने भी फॉरेन फंड इंडिया में आ रहे हैं उनका पहला फोकस कमर्शियल रियल एस्टेट है, तो रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट के लिए क्या ऐलान किए जाने चाहिए ताकि निवेशक हाउसिंग में इंटरेस्ट बढ़ाए? बहुत अहम मुद्दा है ये दीपक जी, और इसमें दो चीजें बनती है। पहले कि ग्राहक की रुचि कैसे बने, क्योंकि अगर ग्राहक है तो निवेशक है। अब ग्राहक जो है वो सिर्फ 6-7-8 शहरों तक सीमित नहीं है, अब हम 100 शहरों की बात करें, 100 स्मार्ट सिटीज की बात करें। तो सौरभ जी ने बताया कि पहली बात तो अफोर्डेबल हाउसिंग का डेफिनेशन एक्सपैंड किया गया, क्योंकि अगर आप 70-80 लाख के ले जाते हैं, उसमें आप क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम ले आते हैं, आप PMAY के बेनिफिट ले आते हैं, तो डेफिनेटली इस इन्वेंट्री की खपत बढ़ेगी, और उसके बिना इस आज के जो
हाउसिंग लोन्स की जो दर है वो वैसे भी कई काफी ज्यादा है, तो जब तक उसमें कोई टैक्स रिलीफ नहीं आते उसको एक्सेलरेट करना काफी मुश्किल हो जाता है, और जो छोटे शहरों में तो और भी मुश्किल है। तो ये बहुत जरूरी है कि जो डेफिनेशन एक्सपेंड की जाए, तो स्वामी फंड भी जो है वो गवर्नमेंट के अफोर्डेबल हाउसिंग के टिकट साइज पे अपना इन्वेस्ट नहीं करता, उन्हें खुद का ही एक अपना मापदंड बनाया है, और ये मापदंड समझना सरकार को जरूरी है। जबकि खुद का निर्माण किया हुआ फंड उनके डेफिनेशन पे नहीं चल पा रहा तो वो डेफिनेशन का क्या मायना बनता है। डेफिनेटली जो DIs हैं, FIIs हैं, सारे इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स हैं, वो उसमें रुचि ज्यादा बढ़ाएंगे क्योंकि उसमें फिर निवेशक की मात्रा बढ़ जाती है, वरना देखा जाए तो छोटे छोटे प्रोजेक्ट में बड़े निवेशक निवेश की जरूरत नहीं पड़ती। आप 10 मिलियन, 25 मिलियन, 50 मिलियन, 100 मिलियन डॉलर डाल दें, अगर उनकी एपेटाइट और उनकी धनराशि उससे कहीं ज्यादा बड़ी है, उनको साइज का प्रोजेक्ट चाहिए जो कमर्शियल में मिल जाता है। जब आप तो कोई कमर्शियल प्रोजेक्ट बनाते हैं तो वहां पे 300-400 मिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट होता है, तो उनके लिए वो मीनिंगफुल इन्वेस्टमेंट है, एक अच्छी खासी रकम है। तो अगर आप पूरे शहरों का निर्माण करने की चेष्टा रखें जहाँ पे वो इंसेंटिव दिया जाए कि आपको स्टैम्प ड्यूटी में रिलीफ है या डेफरमेंट है, GST में रिलीफ है, और आपको जो कंज्यूमर है उसको भी अफोर्डेबल हाउसिंग बाय करने में रिलीफ है, तो डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ा द्वार खुलता है विदेशी इन्वेस्टर्स को हाउसिंग प्रोजेक्ट में आने के लिए। तो इस समय जो रिक्वायरमेंट है अदरवाइज प्रोजेक्ट लेवल पे इतनी छोटी हो जाती है कि वो वहां पे रुपया लगाना मुश्किल हो जाता है। सौरभ गर्ग साहब, NRIs का भारत में निवेश बढ़ता दिखा है बीते कुछ साल में, लेकिन हाउसिंग में उतना फोकस नहीं देखा गया है। सीनियर हाउसिंग के लिहाज से भारत को एक बड़े मार्केट के तौर पर देखा जा रहा है, तो क्या NRIs के लिए कोई स्पेसिफिक पॉलिसी की उम्मीद कर रहे हैं? देखिए, NRIs के लिए जब भी वो इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं तो उनका दो रीजन होता है। एक, उन्होंने इन्वेस्ट करा है कि मेरे को कैपिटल गेन हो और मैं थोड़े टाइम बाद वो प्रॉपर्टी बेच के प्रॉफिट कमा सकूं। कुछ लोग इन्वेस्ट करते हैं कि मेरे को रेंटल इनकम चाहिए उससे, और कुछ लोग अपनी फैमिली के लिए लेते हैं कि मेरी फैमिली है वहां पे वापस, तो उनके लिए घर खरीदते हैं। तो जो जो घर अपनी फैमिली के लिए खरीद रहे हैं उनको तो कोई खास फर्क पड़ता नहीं है, चाहे वो NRI है चाहे वो इंडियंस है, बिकॉज काफी सिमिलर रूल्स हैं। लेकिन जो इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदते हैं वहां पे काफी कॉम्प्लेक्सिटी होती है कि अगर आप प्रॉपर्टी बेचने जा रहे हैं तो TDS बहुत हाई होता है और उसमें उनको बेचने में काफी प्रॉब्लम होती है, या तो उनको जाके एक सर्टिफिकेट लाना पड़ता है कि मेरे को आप लोअर टैक्स का सर्टिफिकेट दीजिए। इसी तरह से उनकी जब रेंटल इनकम होती है उसमें भी सिमिलर प्रॉब्लम होती है। तो NRI का ये एक काफी बड़ा प्रॉब्लम है जो कि सॉल्व होने की जरूरत है। इसके अलावा मुझे लगता है कि एक बड़ी चीज जो चाहे NRI या डोमेस्टिक मार्केट है, तो इसमें अगर आप देखेंगे हम अभी एक रियल एस्टेट के अप साइकिल में हैं। हम देख रहे हैं कि रियल एस्टेट अच्छा कर रहा है पिछले 2-3 साल से, बट इसका एक काफी बड़ा थ्रेट ये है कि प्राइसेस बहुत फास्ट मूव कर गए हैं। तो ये चीज NRIs भी देख रहे हैं, ये चीज डोमेस्टिक कस्टमर्स भी देख रहे हैं कि प्राइसेस बहुत फास्ट मूव कर गए हैं। तो अगर ये प्राइसेस इसी तरीके से मूव करते रहे तो कहीं वो अफोर्डेबिलिटी लिमिट के बाहर ना चले जाए, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो इस अमित जी ने जो बोला वो आई थिंक काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि GST जो एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है और जो कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट को काफी इंक्रीज कर देता है, उस पर काम करने की जरूरत है। क्योंकि अगर प्राइसेस ऐसे ही मूव करते गए और फिर बायर्स को लगा कि नहीं ये हमारी रीच के बाहर हो गए, तो ये जो हमारे को पूरी अपसाइकिल दिख रही है ये पूरी एक बार आके रुक सकती है। तो आई थिंक ये इंपॉर्टेंट है कि ऐसा हुआ। इसमें आई थिंक थोड़ा सा जो हमारे बिल्डर्स हैं उनको भी जरूरत है कि ओवर मोनेटाइज नहीं करें, क्योंकि बिल्डर्स को भी ऐसा दिख रहा है कि अब ज्यादा में बेच पा रहे हैं तो प्राइसेस फास्ट मूव करने की कोशिश कर रहे हैं। बट इससे अगर बायर डिस्करेज हो गया तो वो कहानी होती है ना कि आपके पास सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है तो उससे आप मुर्गी को मारिए मत, रोज अंडा दीजिए। ताकि वो प्राइसेस एक लिमिट में इंक्रीज करने चाहिए, बहुत फास्ट इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे तो ये साइकिल जो कि मुझे लगता है कि 8-10 साल लास्ट कर सकती है, कहीं बीच में ना रुक जाए, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट और बिल्डर्स दोनों को इस पर ध्यान देने की जरूरत है। बिल्कुल, इस चर्चा को जारी रखेंगे, लेकिन यहाँ वक्त एक बहुत ही छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे और जानेंगे कि इस सेगमेंट की वित्त मंत्री से और क्या कुछ मांगे हैं। छोटे से ब्रेक के बाद गेस्ट जुड़े हुए हैं और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सौरभ वोरा जी, म्यूचुअल फंड और PMS के बीच एक नया वर्टिकल को लेकर चर्चा है। इनफैक्ट सेबी ने कंसल्टेशन पेपर भी जारी कर दिया है जो कि 10 लाख से 50 लाख तक के ऑप्शन देगा।
क्योंकि आज भी पीएमएस रियल एस्टेट के किसी भी वर्टिकल के मुकाबले शानदार रिटर्न दे रहा है, ऐसे में क्या इससे फ्रैक्शनल ओनरशिप को चैलेंज मिलता देख रहे हैं आप? दीपक जी, मुझे हमेशा लगता है, जैसे अभी जो सौरभ जी ने भी एक चीज बोली थी एनआरआई इन्वेस्टर्स को लेके, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के हमेशा मैं कहता हूँ एक्स और वाई दो कंपोनेंट होते हैं। एक्स कंपोनेंट होता है एक रेंटल इनकम जो आपको सालाना मिलती रहती है, और सेकंड होता है आपका जो कैपिटल अप्रिसिएशन है, जो भी आप रियल एस्टेट पे निवेश करते हैं वो 3 साल 5 साल 7 साल के माध्यम से उसका भाव किस तरीके से तेजी से बढ़ रहा है। तो हमेशा आज कोई भी अगर रियल एस्टेट का निवेश करता है तो उसका बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि एक लॉन्ग टर्म होराइजन होना बहुत जरूरी है। तो अगर ये किसी भी आ जाए, अपन म्यूचुअल फंड की बात करें, पीएमएस की बात करें, या तो एसएम रीट की बात करें, किसी भी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है इसको इस पर्सपेक्टिव से देखना कि आपको सालाना भाड़े की इनकम क्या मिल रही है, चाहे वो हाउसिंग हो या कमर्शियल हो, आपको ओवर अ पीरियड ऑफ 5 इयर्स 7 इयर्स कैपिटल रिटर्न किस तरीके से मिल रहा है, आपके रियल एस्टेट के प्राइस का अप्रिसिएशन किस तरीके से मिल रहा है। और अगर ये एक्स प्लस वाई को कोई भी कभी भी किसी भी ऑल्टरनेट एसेट क्लास से कंपेयर करके देखेगा, चाहे वो पीएमएस हो चाहे म्यूचुअल फंड हो, तो मुझे लगता है सालाना 12 से 18% की जो एक IRR अपन कहते हैं वो 5 साल पे रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट पे बहुत इजीली मिल सकती है, और एक बहुत सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट है कंपेयर टू पीएमएस और म्यूचुअल फंड। पिछले 3 साल पे 5 साल पे अपन ने कोविड के बाद उस तरीके का शेयर मार्केट का वो देखा है जो सिर्फ ऊपर की तरफ बढ़ता जा रहा है। बट मैं किसी को डिस्करेज नहीं करना चाहता, बट अपन ने वो टाइम्स भी देखे जब स्टॉक मार्केट एकदम ब्लडबाथ कर जाता है, कम से कम रियल एस्टेट में एक सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट रहता है। और 5 इयर्स 7 इयर्स पर्सपेक्टिव के हिसाब से मुझे लगता है रियल एस्टेट का इन्वेस्टमेंट एक बहुत सेफ तरीका भी है, प्लस आप रेंटल और कैपिटल अप्रिसिएशन के साथ में अगर देखेंगे तो आपको आपका जो टारगेट गोल होता है किसी भी इन्वेस्टमेंट का वो बहुत आसानी से अचीव कर सकते हैं। इसी सवाल को आपसे भी समझना चाहेंगे मिस्टर, नए वर्टिकल को लेकर चर्चा है जो कि 10 लाख से 50 लाख तक के ऑप्शन देगा, ऐसे में क्या इससे फ्रैक्शनल ओनरशिप को आप चैलेंज मिलता देख रहे हैं? क्योंकि 10 लाख रुपए की मिनिमम धनराशि है दीपक जी, और 10 लाख में आप एसएम रीट भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप मेन रीट भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, और कई सारे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो म्यूचुअल फंड में भी बने हैं जो रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस करते हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर स्कीम आ जाए जहाँ पे आप 25-50 लाख रुपए का कमिटमेंट लें, 10 लाख का दें, क्योंकि और भी ऑल्टरनेटिव मेथड्स हैं वही 10 लाख रुपए से आपको रियल एस्टेट में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो मुझे नहीं लगता कि ये जो प्रोडक्ट है उससे कहीं पे भी रियल एस्टेट की तरफ जो झुकाव है जिसका, और जो रियल एस्टेट बैक्ड यानी रियल एस्टेट लिंक्ड इन्वेस्टमेंट करना चाहता है उसके लिए वैसे भी कई विकल्प ऑलरेडी बने हुए हैं उसी धनराशि में, तो उसकी वजह से मुझे कोई कंपेटिटिव फोर्स नहीं दिखता। क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है ये ज्यादा करके इक्विटी मार्केट्स के लिए बना है, तो जो लॉन्ग शॉर्ट करना चाहते हैं, जो डेरिवेटिव्स में जाना चाहते हैं, जो बाकी अन्य कॉम्प्लेक्स ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जो पीएमएस मैनेजर्स कर रहे थे मगर उनका रिक्वायरमेंट इन्वेस्टमेंट का ज्यादा बड़ा था, तो जिसके छोटे इन्वेस्टर्स जो हैं वो कॉम्प्लेक्स ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे थे। रियल एस्टेट में कभी ये दिक्कत थी ही नहीं, और एसएम रीट आने के बाद और मेन रीट के बाद और कई सारे रियल एस्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर म्यूचुअल फंड्स के फोकस के बाद तो डेफिनेटली नहीं है। तो मुझे नहीं लगता इस पे कोई अपने को चिंताजनक बात है। बिल्कुल, बैंकों का पैसा AIF के लिए उपलब्ध हो ताकि अटके प्रोजेक्ट्स को पूरा किया जा सके, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को लेकर पॉलिसी आसान करने की जरूरत है, महंगे घरों की बिक्री बढ़ी है लेकिन लोअर सेगमेंट में डिमांड है, लेकिन प्रोजेक्ट की कमी देखने को मिल रही है जिसमें अफोर्डेबल हाउसिंग की परिभाषा बदलने की जरूरत है, रेंट महंगे हुए हैं, ऐसे में ओनर को इंसेंटिवाइज करने की जरूरत है ताकि घरों की सप्लाई मार्केट में आए, सेक्शन 54 का फायदा एसपीवी को मिले, लोन पर मिल रही सब्सिडी या अन्य फायदे अगर एसपीवी को मिले तो फ्रैक्शनल ओनरशिप बढ़ सकता है, हाउसिंग प्रोजेक्ट में निवेशकों के लिए टैक्स रिलीफ की जरूरत है ताकि निवेशकों का फोकस हाउसिंग की ओर बढ़े, सीमेंट स्टील में सबसे अधिक GST है जो कि बुनियादी जरूरत है, इसको कम करने की जरूरत है ताकि प्रोजेक्ट की लागत को कम किया जा सके, एक बड़ी चिंता है कि कीमतें तेजी से भाग रही हैं जो कि अफोर्डेबिलिटी को डेंट कर सकती हैं, खतरा बन सकती हैं जिससे बायर बाहर हो सकते हैं, क्योंकि आज भी अगर हम देखें तो जो बायर है वो ही मार्केट को ड्राइव करता हुआ नजर आ रहा है, हालांकि लग्जरी सेगमेंट में ही सेल दिख रही है, लोअर सेगमेंट में कब है, तो इस पूरे संतुलन को बनाने की जरूरत है। इस पूरी इंडस्ट्री की तमाम मांगे हैं वित्त मंत्री से, लेकिन देखना यह होगा कि कल वित्त मंत्री का फोकस किधर रहता है। तो इस चर्चा में फिलहाल इतना ही, अमित जी, सौरभ गर्ग साहब और सौरभ वोरा जी, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस शो में फिलहाल इतना ही, आप बने रहिए जी बिजनेस के साथ। नमस्कार।